हेलो फ्रेंड्स, यू लाइक माय वीडियोस, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू फाइंड न्यू अपडेट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीजीटी स्पेशल नोट्स, माय सेल्फ सौ सिंह। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रेजेंट टेंस के चारों भेद का अध्ययन किए हैं। अब हम लोग यहाँ से पास्ट टेंस के चारों उपभेद का अध्ययन करेंगे। पास्ट टेंस में पहला उपभेद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी हिंदी होती है भूत अनिश्चित काल। इसे हम सामान्य भूतकाल भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो भूतकाल में किसी निश्चित समय में घटित हुए हैं या समाप्त हुए हैं। इस टेंस की पहचान है कि किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे या कोई भी बात छोटा से ज्ञा पर छोड़ दी जाती है या खत्म हो जाती है, तो ऐसे सेंटेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम सभी टेंस का राजा कहते हैं, किंग ऑफ द टेंस है ये, क्योंकि अधिकतर जो ट्रांसलेशन आते हैं एग्जाम में वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे ही डिपेंड होते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि वह कल मुंबई गया। इसका ट्रांसलेशन होगा ही वेंट टू मुंबई यस्टरडे। देखिए, इस सेंटेंस की पहचान ये है कि इस वाक्यांश में देखिए गया आया है, अर्थात या पे बात छूट गई, अर्थात या पे बात खत्म हो गई और पूर्णविराम लग गया, अर्थात ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक पहचान और है इसकी कि इसमें कल शब्द आया, बीता हुआ कल है, अर्थात बीता हुआ कल मतलब पास्ट की बात कर रहा है, तो इससे भी हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। वह पिछली रात मुझसे मिलने आई, तो इसका ट्रांसलेशन होगा सी केम टू सी मी लास्ट नाइट। देखिए, यहाँ पिछली रात शब्द आया है, इसे पता चलता है कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। और यहाँ पर हमने क्रिया के रूप में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया है क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसलिए कम का सेकंड फॉर्म हमने केम का यूज किया है। अब हम निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के निगेटिव में हम हमेशा डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल है खिलाड़ी मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते थे। इस सेंटेंस में देखिए अंत में ते थे आया है, जिससे पता चलता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं शब्द आया है जिससे कि ये निगेटिव है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा The players did not play football in the field। इस सेंटेंस में खिलाड़ी जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि फुटबॉल खेलने का काम करता कौन है, हमारा काम करने वाला खिलाड़ी है, इसलिए हमने सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा द प्लेयर्स। इसके बाद फॉर्मूले के हिसाब से डिड नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हमने प्रयोग किया प्ले, और इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन गया। आइए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है मैंने यह कलम न्यूयॉर्क में नहीं खरीदा, तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई डिड नॉट बाई दिस पेन इन न्यूयॉर्क। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का फार्मूला देखेंगे। इंट्रोगेटिव फार्मूले में सबसे पहला फार्मूला है एस नो क्वेश्चन वर्ड का फार्मूला है, सबसे पहले डिड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल है क्या डाकिया पत्र लाता था, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड द पोस्टमैन ब्रिंग अ लेटर। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। क्या राधा मधुर गीत गाती थी, तो इसका ट्रांसलेशन होगा डिड राधा सिंग अ स्वीट सॉन्ग। यदि हमारा सेंटेंस WH वर्ड में हो तब उसका फार्मूला होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और अंत में क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड में एग्जाम्पल है तुम दिल्ली में कहाँ रहते थे, का ट्रांसलेशन होगा वेयर डिड यू लिव इन दिल्ली। इस सेंटेंस में कहाँ शब्द आया है जो कि WH वर्ड है, इसलिए हमने सबसे पहले WH वर्ड कहाँ की इंग्लिश लिखी, उसके बाद डिड का प्रयोग किया और बाकी सेंटेंस हमने फार्मूले पर बनाया। एक एग्जाम्पल हम और देखेंगे। तुमने उसकी पतंग क्यों चुराई, ये सेंटेंस भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का WH वर्ड में है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई डिड यू स्टेल हिज काइट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस
की पहचान और सेंटेंस जानने के बाद अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे आते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान, नियम और एग्जांपल को हम बनाना सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी होती है तत्कालिक भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में जारी थे या हो रहे थे। इसकी पहचान है कि किसी भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आएंगे। अब हम अफर्मेटिव का फार्मूला देखेंगे। अफर्मेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एक वचनकर्ता ही, सी, इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे, तथा बहुवचनकर्ता अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट आई, बी, यू, दे के साथ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है किसान खेत में फसल काट रहा था। अब इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन होगा द फार्मर वाज कटिंग द क्रॉप्स इन द फील्ड। यहाँ पर जो है वाक्यांत में रहा था आया, जिसे ये पता चलता है ये सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा किसान की स्पेलिंग, उसके बाद सिंगुलर है इसलिए हमने वाज का प्रयोग किया और बाकी सेंटेंस हमने फार्मूले पर बनाया। एक सेंटेंस और है कुत्ते गलियों में भौंक रहे थे। अब इस सेंटेंस में अंत में रहे थे आया है, जिसे पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द डॉग्स वर बार्किंग इन द स्ट्रीट्स। इसके बाद पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम निगेटिव का फार्मूला देखेंगे। निगेटिव का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। अब इस सेंटेंस में बच्चे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम वर्ब का प्रयोग करेंगे और यहाँ वाक्य अंत में रहे थे आया, जिसे पता चलता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे है। तो इसका एक ट्रांसलेशन होगा द चिल्ड्रेन वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड। एक एग्जाम्पल और है दूध वाला दूध नहीं ला रहा था। तो ये भी सेंटेंस निगेटिव में है और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, क्योंकि इसके अंत में रहा था आया है और नहीं शब्द आया है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा द मिल्कमैन वाज नॉट ब्रिंगिंग मिल्क। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव की पहचान और उसके फार्मूले को देखेंगे। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या किसी भी टेंस में यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो दो तरीके से होता है। एक होता है एस नो क्वेश्चन वर्ड का और दूसरा होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन वर्ड का। तो सबसे पहले हम एस नो क्वेश्चन वर्ड का फार्मूला देखेंगे। यदि सेंटेंस एस नो क्वेश्चन वर्ड पर हो तब सबसे पहले हम वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं तो हमारा सेंटेंस गलत कहलाएगा। एग्जाम्पल है क्या तुम झूठ बोल रहे थे। अब ये सेंटेंस हमारा एस नो क्वेश्चन वर्ड पे है क्योंकि ये क्या से वाक प्रारंभ है। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वर यू टेलिंग अ लाई। अब हम दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड पर। इसका फॉर्मूला है डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। एग्जाम्पल है तुम उसे पत्र क्यों लिख रहे थे। अब इस सेंटेंस में क्यों शब्द आया है जो कि डब्ल्यू एच वर्ड है और अंत में रहे थे आया, जिसे पता चलता है ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का डब्ल्यू एच वर्ड पर सेंटेंस है तो इसका इस फार्मूले पर बनेगा। तो इसका ट्रांसलेशन होगा व्हाई वर यू राइटिंग हर अ लेटर। इस सेंटेंस में हम उसे के लिए अगर लड़की मानते हैं तो हर का प्रयोग या उसे लड़का मानते हैं तो हिम का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।